नमस्कार, मैं शिल्पा स्ट्रीट मिल में आपका स्वागत है। राहुल गांधी व कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट बंद करने पर राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मेरे ट्विटर को बंद करके वो हमारी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में दखल दे रहे हैं। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर एक हमला है। ये राहुल गांधी पर हमला नहीं है। मेरे 19 से 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप उन्हें नकार रहे हो। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, मीडिया पर नियंत्रण है और मुझे लगा कि ट्विटर एक प्रकाश की किरण है जिस पर हम अपने विचार लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्विटर एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म नहीं है। By shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question here. Better known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc. जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आज नई पुलिस लाइन में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उपायुक्त महावीर कौशिक ने ध्वजारोहण किया व परेड की सलामी ली। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद। स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय किसान यूनियन चंदूनी व खेती बचाओ संघर्ष समिति माजरा रोड पर बाईपास पर चल रहे लंगर पंडाल पर ध्वजारोहण करेगी। इसके बाद सभी किसान ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर विशाल तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जो पूना रोड से होते हुए GT रोड फतेहाबाद पर चढ़कर जिला सचिवालय के सामने से चलते हुए बस स्टैंड के सामने मंडी शेड में पहुंचेंगे। यहां पर आजादी की खुशी में लड्डू बांटे जाएंगे। हमारा जो खेती बचाओ संघर्ष समिति और जो हमारी BKO भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी की कल मीटिंग हुई है फतेहाबाद के अंदर, तो हमने मीटिंग करके वहां पर तो फैसला लिया है कि हम 15 अगस्त को ध्वजारोहण है जो बाईपास के ऊपर पंडाल है, लंगर पंडाल, उसके ऊपर ध्वजारोहण करेंगे। सुबह हम वहां पर
9:30 बजे वहाँ पर सारे पहुँच जाएंगे और उसके बाद में ध्वजारोहण का प्रोग्राम होगा। ध्वजारोहण का वहाँ प्रोग्राम होने के बाद पंडाल से हम बाईपास के ऊपर से चलते हुए भुन्ना रोड पुल के नीचे से होकर के और हुड्डा के पास से जो बाईपास की तरफ सड़क जाती है सेक्रेटेरिएट की तरफ वहाँ पर जाएंगे और सेक्रेटेरिएट के आगे से होते हुए रोड शो निकालेंगे पूरा ट्रैक्टरों में मोटरसाइकिलों में गाड़ियों में तिरंगा झंडा लगा करके और किसानी का झंडा लगा करके फिर वह रोड शो हमारा पूरा मेन रोड के ऊपर होता हुआ और बस स्टैंड के सामने जो अनाज मंडी का शेड है उस शेड के नीचे पहुंचेंगे। उस शेड के नीचे पहुंचने के बाद वहां पर लड्डू वगैरह बांटे जाएंगे, खुशी मनाई जाएगी जो 15 अगस्त है उसके उपलक्ष्य में। और जो ये हमारा कार्यक्रम है सारा जो हम ध्वजारोहण कर रहे हैं या 15 अगस्त मना रहे हैं, हमारे जो किसान दिल्ली के अंदर बैठे हैं और बॉर्डर पर बैठे हैं, जो हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारे किसानों ने जो शहादत दी है उस शहादत को तो हम ये सारा का सारा उसके नाम करते हैं ये 15 अगस्त। और इस 15 अगस्त को सिर्फ किसान ही झंडा फहराएगा, किसी और को झंडा हम नहीं फहराने देंगे। ये ध्वजारोहण हर जगह किसान करेगा या प्रशासनिक अधिकारी करें, कोई राजनीतिक आदमी झंडा नया फहराए यही हम कहना चाहते हैं, क्योंकि किसान जब तक दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है हम किसी भी राजनीतिक आदमी को ऐसा नहीं करने देंगे। इतना ही कहते हुए हमारा जो किसान है वो किसान मजदूर व्यापारी की जो एकता है इसी प्रकार से बनी रहे और जब तक किसान वहाँ पर जीत करके वापस नहीं आएगा इसी प्रकार दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, दोबारा फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।